हेलो दोस्तों, मेरा फिजिक्स इज लॉ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो ये पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले तो चाहिए होगा कि हमने जो पहले टेबल पढ़ा था पूरा कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, तो वो हमें आज पहले पढ़ना होगा क्योंकि आज मैं क्वांटम नंबर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, तो उसके लिए तो पहले एलिमेंट्री पार्टिकल को पहले रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं वापस से एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खास करके जो हमें पढ़ना है वो क्या है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में 3 पार्ट्स पढ़ने हैं हमें, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन। फिर मेसॉन में पायोन, केयोन, ईटा। न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइप्रॉन्स में लैम्बडा, सिग्मा, ज़ाई, ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर खास तो इलेक्ट्रॉन्स, मेसॉन्स, न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रॉन्स, ये 4 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। इसमें हमें क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, तो क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, तो हम टोटल 6 टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं। अभी हम जो पहले पढ़ते थे वो चार्ज, स्पिन, ऐसा सब पढ़ते थे। ठीक है, तो ये जो सब है क्वांटम नंबर्स वो एक्चुअल में क्या है, तो क्वांटम नंबर्स टू ईच एंटिटी एंड एस्टैब्लिशिंग विच ऑफ दिस नंबर्स आर कंजर्व्ड एंड विच कैन चेंज इन अ गिवन प्रोसेस। मतलब कि कोई भी अगर हम प्रोसेस ले लेते हैं, ओके, ये सपोज प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन बन रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये सब जो हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन सी प्रोसेस में कंजर्वेशन हो रहा है, और कंजर्वेशन हो रहा है तो किसका कंजर्वेशन हो रहा है। कोई तो प्रोसेस में ऐसा होता है कि किसमें चार्ज कंजर्व है लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है, बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है। ठीक है, तो ये कब होता है और कौन सी प्रोसेस में कौन सा नंबर कंजर्व है, तो ये हमें इसमें पता चलता है। तो क्वांटम नंबर है टोटल 6 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हैं, ओके। और ये जो क्वांटम नंबर्स है हम कंजर्व है कि नहीं है प्रोसेस वो हमें बताता है, वो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ओके। सबसे पहला वाला है चार्ज क्वांटम नंबर। तो चार्ज क्वांटम नंबर में क्या है, तो चार्ज कंजर्व है कि नहीं वो हमें पता चलता है। चार्ज का मीनिंग क्या, चार्ज तो सिंपल हमें पता है कि चार्ज भी देखिए कि सिंपल चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज इज नॉट ओनली कंजर्व बल्कि क्वांटाइज भी है। क्वांटाइज का मीनिंग क्या है, क्वांटाइज चार्ज क्या होता है, चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पर इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस है वो हमें क्वांटाइज बताता है। तो उसमें चार्ज क्वांटम नंबर में सिंपल हमें पता है इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, पॉजिट्रॉन का उसके ऑपोजिट, क्योंकि ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का इसलिए +1 होगा। प्रोटॉन +1 है तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होगा एंटी प्रोटॉन, तो उसका -1 होगा, और फोटोन का 0 होगा। ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन ले तो न्यूट्रॉन का 0 होगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे चार्जेस हम बहुत सारे क्वांटम नंबर्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ले सकते हैं। ठीक है, चार्जेस। अभी इसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन नंबर। इलेक्ट्रॉन नंबर में क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर कौन कौन से हैं हमारे, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन। ये कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग यहाँ पे फोकस करो कि इलेक्ट्रॉन नंबर कौन कौन से हैं, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिनो होगा, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और उसके एंटी पार्टिकल्स, तो जो मेन तीन पार्टिकल्स है ये वाले तीन वाले, तीनों तीन के क्या होंगे, +1। ठीक है, और उसके जो एंटी पार्टिकल्स होंगे उसके क्या होंगे, -1। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर है वो +1 होगा, लेकिन अगर उसका हम पॉजिट्रॉन ले तो -1 होगा। म्यू इलेक्ट्रॉन ले, न्यूट्रिनो ले तो वो +1 होगा, लेकिन एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ले तो वो -1 होगा। ठीक है, वैसे ही म्यू के साथ भी होगा। यह इलेक्ट्रॉन नंबर का हुआ। इसके बाद अगर बेरियन नंबर की बात करें तो बेरियन नंबर कहाँ पे है, तो ये रहा बेरियन नंबर। बेरियन नंबर में क्या क्या आता है, न्यूक्लियस एंड हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइप्रॉन्स में है लैम्डा, सिग्मा, ज़ाई, ओमेगा। तो जो भी बेरियन्स नंबर है तो वे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा, ज़ाई, ओमेगा, ये सभी के सभी में क्या होगा, +1 होगा। और इसके जो एंटी पार्टिकल्स होगी उसमें क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो द बेरियन ग्रुप इंक्लूड द क्या क्या है, इसमें न्यूक्लियॉन्स है, हाइप्रॉन्स हैं। ठीक है, और उसके क्या है, एंटी पार्टिकल्स हैं। उसमें
बेरियम नंबर क्या होगा, प्लस वन होगा, और उसके जो एंटी पार्टिकल्स होगा वो माइनस वन होगा, ओके। और बेरियम नंबर में अगर हम आगे देखा तो मैंने क्या बोला कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो हाइप्रॉन्स है वो सब क्या होंगे, प्लस वन होंगे, उसके जो एंटी पार्टिकल्स होंगे वो माइनस वन होंगे। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा के तीन, ये जाई और ओमेगा, ठीक है, ये सभी के सभी क्या क्या है, प्लस वन है, लेकिन उसके जो एंटी पार्टिकल्स है उसके क्या है, माइनस वन है। उसके बाद आइसोस्पिन क्वांटम नंबर, आइसोस्पिन क्या है कि इसका जो मास है वो सिमिलर रहता है, ठीक है, मास है वो सिमिलर रहता है, लेकिन इसका जो चार्ज है वो डिफरेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, ये तीनों के तीन एक जैसे ही है, सिग्मा मतलब कि इसका मास क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज देखिए तो इसका प्लस वन है, इसका माइनस वन है, इसका जीरो, ठीक है, वो किसके कैसे पता चलेगा, तो आइसोस्पिन से पता चलेगा। और कौन सा क्या मास है वो कैसे पता चलेगा, तो इसका एक मेन ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन टू। अभी ये इक्वेशन में कैसे पता चलेगा, देखिए तो इसमें ये देखिए, सपोज मैं ये m, m क्या है, ये m मतलब कि मल्टीपल नंबर्स है। अभी m में क्या रखूँ, तो देखिए सपोज मैं ये लेती हूँ सिग्मा, ठीक है, तो सिग्मा के लिए यहाँ पे 1, 2, 3, 3 है, ठीक है, वैसे जाई, तो जाई हमारे दो है, ठीक है, जाई कौन से है, हमारे दो है, तो जो भी होते हैं उसके हिसाब से हमें एम लेना होता है। सपोज मैं सिग्मा के से स्टार्ट करूँ तो सिग्मा है उसमें एम क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्मा एम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, ओके, सिग्मा हम एम क्या लेंगे, 3 लेंगे, एम क्या होगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ओके, तो ये अगर हम ले तो क्या होगा, 3 माइनस 1 अपॉन 2 मतलब कि 2 अपॉन 2 और ये होगा 1। अभी 1 का मीनिंग क्या हुआ, 1 मतलब कि इसमें जो हमें मिलेगा आई वो 1 मिलेगा। अभी 1 मतलब कि यहाँ तो हमें 3 मिला, तो 3 कैसे मिला, 1 का मीनिंग ये होगा कि आगे जाओ और पीछे जाओ, मतलब कि 1 तो होगा ही, 1 मेन, उसके पीछे वाला क्या होगा, माइनस वन, क्योंकि 1 है वो 1 आगे वाला और पीछे वाला, माइनस वन और प्लस वन, और उसके बीच में क्या आएगा, 0, ठीक है, मतलब कि माइनस वन, 0 और प्लस वन, 3 हो गए। तो यहाँ पे भी हमें 3 मिल रहे, देखिए सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा 0, ओके, आया समझ में। अगर वैसे ही अगर मैं m इज इक्वल टू 3 लूँ, m इज इक्वल टू 3 किसके लिए होगा, पायोन्स के लिए, पाई के लिए, ठीक है, वापस से 3 ले लेते हैं तो 3 में वापस वैसे ही होगा, तो पाई में भी हमें 3 मिलते हैं, पाई प्लस, पाई 0 और पाई 1 माइनस 1, ओके। वैसे अगर ओमेगा लूँ तो ओमेगा मतलब हमें एक ही मिल रहा है, 1, ठीक है, ओनली 1 ही मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर m की जगह पे मैं 1 लिख दूँ, 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 माइनस 1 मतलब कि 0, 0 मतलब कि यहाँ पे हमें एक ही चार्ज मिलता है, कौन सा, वो भी ओमेगा मास। यहाँ पे माइ 0 का मीनिंग ये नहीं है कि वो उसका चार्ज है, ठीक है, 0 का मीनिंग ये है कि उसमें हमें सिर्फ एक ही सब पार्टिकल मिलता है। जैसे यहाँ पे मुझे -1, 0, 1 मिला, यहाँ पे मुझे 3 सब पार्टिकल्स मिले, ठीक है, वैसे यहाँ पे हमें ओमेगा में 0 मतलब कि सिर्फ एक ही सब पार्टिकल मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ओमेगा रेस टू 0 मतलब कि उसका हमें चार्ज 0 मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को आई होप बेरियम नंबर और आइसोस्पिन क्वांटम नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ओके। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ नंबर का क्वांटम नंबर, इसके बाद जो आएगा फिफ्थ नंबर का क्वांटम नंबर वो है हाइपर चार्ज नंबर, ठीक है। हाइपर चार्ज नंबर वो क्या है, मतलब कि द एवरेज चार्ज क्यू बार ऑफ अ पार्टिकल इन अ मल्टीपल मल्टीप्लेट ग्रुप हैविंग द सेम एम इज ऑब्टेन इज, मतलब कि सपोज हमारा एम सेम है, बरोबर, जैसे हमने बोला सिग्मा में 3 है, पायोन्स में भी 3 है, ठीक है, तो अगर सेम एम है
तो उसमें हम हाइपर चार्ज हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर एम सेम है मतलब कि हमें तो ऐसा लगेगा ना कि जो ये भी सिग्मा है ये भी सिग्मा है, ठीक है, या तो फिर ये भी पायोन है ये भी पायोन है, तो हमें वो कैसे पता चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा हाइपर चार्ज नंबर से, ठीक है। हाइपर चार्ज नंबर क्या है, तो हाइपर चार्ज नंबर मतलब कि उसका ये इक्वेशन है। सबसे पहले तो हाइपर चार्ज नंबर निकालने से पहले हमें क्यू बार निकालना पड़ेगा। क्यू बार का मीनिंग ये है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qm अपॉन m। अभी ये सब क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि देखो सपोज मैं कोई एक ले लेती हूँ, जैसे मैं ले लेती हूँ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या आते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स में आते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का अगर हम चार्ज लें, ठीक है, 4 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0, ओके। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियॉन्स हैं, तो वो हम एक कैटेगरी में लेना होगा, तो 1 और 0। तो अगर हम इसमें क्यू बार को हम आइडेंटिफाई करें न्यूक्लियॉन्स के लिए, तो वो क्या होगा देखते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स में देखिए, न्यूक्लियॉन्स में क्या होगा, क्यू बार अगर ये 1 मतलब के प्रोटॉन के लिए, +0 मतलब के न्यूट्रॉन के लिए, 1 + 0/2 तो क्या होगा, 1/2, तो ये हमारा क्यू बार मिला। अभी हमें हाइपर चार्ज नहीं मिला है, ठीक है, ऐसे हमें क्यू बार मिला है। इसके बाद अगर मैं कोई दूसरा लूँ, सपोज पायन, ठीक है, पायन के लिए लेते हैं, तो पायन में 3 मिले थे हमें, +1, 0 और -1, तो 1 + 0 - 1 / 2 करें तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू बार हमें क्या मिला, 0 मिल गया। वैसे अगर थर्ड में देखें ओमेगा, तो ओमेगा में क्या होगा, -1, ओमेगा तो हमें एक ही मिला था, ठीक है, और उसका क्या था, हम -1 था, -1/1, तो वो क्या होगा, -1, ठीक है। तो अगर ये सब हम देखने जाइए, मैं क्यू बार मिला न्यूक्लियॉन्स के लिए, क्यू बार मिला पायन्स के लिए, क्यू बार मिला ओमेगा के लिए, तो ये जो क्यू बार है वो इससे कनेक्ट करना पड़ेगा वाई से, हाइपर चार्ज से। तो हाइपर चार्ज क्या होगा, द क्वांटम नंबर नोन एज हाइपर चार्ज इज डिफाइंड एज डबल ऑफ द एवरेज चार्ज। ये सब एवरेज चार्ज है ना, तो एवरेज चार्ज को अपन डबल कर दे 2 × y, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपर चार्ज 2 क्यू बार। अगर हम न्यूक्लियॉन्स के लिए देखें तो अगर 2 × q/2, तो 2 × ½ करें तो क्या मिल जाएगा, 1, तो न्यूक्लियॉन्स का हाइपर चार्ज होगा 1। अगर पायन्स की बात करें तो पायन्स का हाइपर चार्ज क्या होगा, 2 × 0, तो 0 हो जाएगा। ओमेगा के लिए क्या होगा, तो -1 × 2, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा हमें अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो देखिए, ये आइसोस्पिन हमें क्या मिला था, तीनों के लिए सेम मिला था। बेरियंस हमें तीनों के लिए सेम मिला था, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स तीनों के लिए सेम मिला था। वैसे यहाँ पे जो यहाँ पे आइसोस्पिन क्वांटम नंबर है वो तीनों के लिए अलग अलग है, तो सिर्फ आइसोस्पिन क्वांटम नंबर ही तीनों के लिए अलग अलग होगा, बाकी सब में बेरियंस नंबर इलेक्ट्रॉन्स नंबर सब में। जैसे यहाँ पे हाइपर चार्ज में भी देखिए, न्यूक्लियॉन्स के लिए हाफ मिला, पायन्स के लिए 0 मिला, ओमेगा के लिए -1 मिला, ठीक है। तो ये जो जब ये सब जो है वो हाइपर चार्ज में हमें सिमिलर ही मिलता है, सिर्फ न्यूक्लियॉन पायन ओमेगा ऐसे ही लिखना है, तीनों का π + π - π0 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल, तो टेबल में यहाँ पे आसानी से हम इसको कर सकते हैं कि एवरेज चार्ज और हाइपर चार्ज, ठीक है। एवरेज चार्ज मतलब कि क्यू बार, और उसका डबल कर दो तो हमें हाइपर चार्ज मिल जाएगा। पायन्स के लिए देखिए तो 0 मिलता है, तो हाइपर चार्ज भी 0 होगा। केयन्स के लिए हाफ है तो वो 1 मिलेगा। एंटी केयन्स के लिए -1 है तो -1 मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसे सिर्फ याद रखना है कि +1 है तो -1 मिलेगा, ठीक है। ऐसा इटा के लिए 0 होगा तो 0 मिलेगा, न्यूक्लियॉन्स के लिए हाफ होगा तो 1 मिलेगा, लेमडा के लिए 0 तो 0 होगा। ये सब आपको ऐसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है, टेबल से आसानी से। अभी लास्ट हमारा 6 नंबर का है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। स्ट्रेंजनेस का मीनिंग क्या है, तो स्ट्रेंजेस्ट क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ के मेसॉन्स एंड हाइप्रॉन्स। उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेंज पार्टिकल। स्ट्रेंज पार्टिकल में दो टाइप्स के आते हैं, मेसॉन्स और हाइप्रॉन्स, ठीक है। इसमें अगर हम लेप्टॉन्स लेने जाए तो लेप्टॉन्स का स्ट्रेंजनेस नहीं होता है, लेप्टॉन्स का जो एस है स्ट्रेंजनेस नंबर वो 0 होगा,
या तो फिर उसको लिखते ही नहीं है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अभी अभी स्ट्रेंथनेस हम फाइंड कैसे करेंगे, स्ट्रेंथनेस का इक्वेशन है s इज इक्वल टू वाई माइनस बी, जहाँ पे y मतलब के क्या होगा, तो हाइपरचार्ज क्वांटम नंबर, ओके, और b मतलब के बेरियर नंबर। तो हाइपरचार्ज माइनस अगर बेरियर नंबर करेंगे तो हमें स्ट्रेंथनेस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिक्स हमें पढ़ लिया है। अभी टेबल देखें, तो टेबल ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे फोटोन का सिंबल है, उसका वेट है, उसका चार्ज है, उसका स्पिन है, आइसोस्पिन है, उसका स्ट्रेंजनेस नंबर है, एवरेज लाइफ टाइम है, और उसका बेसिक पार्टिकल डीके है, ओके। यहाँ पे अभी आप लोग कैसे लग रहा है, ये सिर्फ याद कैसे रखें, तो देखिए लेप्टॉन्स है, तो लेप्टॉन्स का लेप्टॉन नंबर होगा, लेकिन मेसोन और बेरियन का लेप्टॉन नंबर तो होगा ही नहीं, तो बाकी सब में जीरो, ओके। वैसे ही मेसोन्स है, तो मेसोन और बेरियन दोनों के स्ट्रेंजनेस नंबर है, लेकिन उसके लेप्टॉन नंबर नहीं है, ठीक है। तो वैसे आप लोग समझ सकते हो। अभी बेरियन है, तो बेरियन के बेरियन नंबर है, लेकिन मेसोन लेप्टॉन का तो होगा है, तो उसका सबका जीरो होगा, वैसे आपको याद रखना है। अभी देखिए, सपोज ये हम लेप्टॉन्स लें, तो लेप्टॉन्स के लेप्टॉन का इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर, म्यूऑन का लेप्टॉन नंबर, इनका ले तो कैसे होगा। तो अगर हम न्यूट्रिनो की बात करें, ये न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टो, ठीक है, इन सब का एक प्लस वन जीरो जीरो प्लस वन जीरो जीरो, ये सब क्या है। तो प्लस वन मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का प्लस वन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन और लेप्टॉन नंबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का प्लस वन है। लेकिन यहाँ पे अगर म्यू न्यूट्रिनो की बात करें, तो म्यू न्यूट्रिनो इसमें तो इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, मतलब कि इसका होगा जीरो। वैसे इसमें तो टो भी नहीं है, मतलब कि टो न्यूट्रिनो का भी क्या होगा, जीरो होगा। वैसे अगर हम लेप्टॉन का म्यू लेप्टॉन की बात करें, लेप्टॉन नंबर की, तो म्यू है, इसलिए म्यू का ही प्लस वन होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन और टाओ का जीरो होगा। वैसे टो की बात करें, तो टो में टो न्यूट्रिनो का ही प्लस वन होगा, बाकी के दोनों जो इलेक्ट्रॉन और म्यू है दोनों का जीरो होगा, ठीक है। तो वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो जिसका है उसमें ही प्लस वन रखना है, बाकी सब में जीरो रखना है। वैसे अगर सपोज मैं इलेक्ट्रॉन का बात करूँ, तो यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन माइनस आया, ठीक है, तो वो प्लस वन होगा, बाकी के म्यू और टो के जीरो होंगे, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, सिंपल है। अगर हम चार्ज की, वहाँ पे चार्ज मेन है, चार्ज देखिए, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का तो कुछ चार्ज होता ही नहीं है, फोटोन का भी कुछ चार्ज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टोन, टो, ये का क्या है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है। और अगर पॉजिट्रॉन की बात करें, पॉजिट्रॉन म्यू प्लस और टो प्लस, तीनों का प्लस वन प्लस वन प्लस वन होगा। यहाँ पे सब जो लिखा हुआ है सब एंटी पार्टिकल्स हैं, और ये सब पार्टिकल्स हैं, ओके। तो ऐसे आप लोग सब याद रख सकते हो। यहाँ पे एक मेन हमारी लाइफ टाइम एक मेन है, और स्ट्रेंजनेस नंबर और लेप्टॉन्स नंबर, ठीक है, और खास तो ये स्पिन है, बाकी सब तो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, और मेरे ये चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे हम नेक्स्ट में जो देखने वाले हैं वो हम कंजर्वेशन लॉ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।